डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि तो जब तक ये आप नहीं समझेंगे तब तक आप आगे का जो यूनिट है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्लेन, सॉलिड या जो भी आगे का कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ पाएंगे। रीजन बिंग दैट द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इज द बेसिक थ्योरी। इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जब आप पॉइंट को समझ जाते हैं तो दो पॉइंट मिल करके ए और बी, जैसे ये पॉइंट हुआ ए और ये पॉइंट हुआ बी, तो ये लाइन बन जाते हैं। तीन लाइन मिल करके प्लेन बन जाते हैं। उसी तरह से चार लाइन मिलेंगे तो स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। तो एनीवे, बट द की पॉइंट इज द बेसिक ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इनहांस योर माइंड टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड फर्दर यूनिट्स। दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वन मस्ट हैव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देर आर थ्री थिंग्स। एक तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड ऑब्जेक्ट शुड बी वेल डिस्क्राइब्ड एंड डिफाइंड। इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड डिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट टॉपिक थिंग्स इज ऑब्जर्वर। उस ऑब्जेक्ट को देखने वाला जो व्यक्ति है दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, रेफरेंस प्लेन पे, कहाँ पे एग्जैक्ट पोजिशन मालूम होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज द लोकेशन, दैट इज द पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड रेफरेंस दैट वी विल डिस्कस वेरी सुन। एबव एंड बिलो विथ रेस्पेक्ट टू एच पी, जैसे अर्थ है, जमीन है आपका, कोई ग्राउंड है, तो ग्राउंड के हमेशा या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। एबव और बिलो, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखें अपना। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ इन फ्रंट एंड बिहाइंड, कहाँ पे होगा, कोई भी वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन के या तो आगे होगा या पीछे होगा या वर्टिकल प्लेन पे होगा। देयर इज ओनली थ्री कंडीशन। यहाँ भी एचपी के साथ अभी हम लोग देखेंगे, देयर कैन बी ओनली थ्री कंडीशन। वन विल बी आइदर अबव और बिलो और ऑन द एचपी, दैट वी विल सी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द इफेक्ट ऑन द पोजिशन ऑफ व्यूज, आइदर इट इज फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई लाइन व्हेन प्लेस्ड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। अभी हम लोग ये पूरा डिटेल में, फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू सी द नोटेशन। जहां भी फ्रंट व्यू होगा, ध्यान रखिए जब भी हमारा वर्टिकल प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, एचपी पे यदि बन रहा है तो टॉप व्यू बनेगा। दीज आर द नोटेशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका है, ऑब्जेक्ट को हमेशा कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, और ऑब्जेक्ट को हमेशा कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे, टॉप व्यू को स्मॉल लेटर से ए, ये बी। उसी तरह से फ्रंट व्यू को हमेशा डैश से इंडिकेट करते हैं, ए डैश बी डैश, और साइड व्यू को ए डबल डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश, इस तरह से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से ये तो हमने ए बी सी डी लिखा था, उसी तरह से यदि 1 2 3 लिखें या रोमन में लेटर लिखें तो भी आप इसी तरह से यूज करेंगे कि 1 2 लिख दिए, फिर 1 डैश 2 डैश, उसी तरह से 1 डबल डैश 2 डैश। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आवर क्वाड्रेंट। दिस इज द वर्टिकल प्लेन, इसको आप अच्छे से देखें, दिस इज द वर्टिकल प्लेन। अब ये वर्टिकल प्लेन ऊपर भी है और नीचे भी है, और उसी तरह से आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन इन फ्रंट भी है और बैक भी है। दैट मीन्स कि जब भी हम एचपी की बात करेंगे, दिस इंटरसेक्शन लाइन ऑफ वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन या ग्राउंड लाइन या एक्स वाई लाइन। अब ध्यान दीजिए, जब हम एचपी की बात करेंगे, एचपी से रेफरेंस लेंगे, तो हमेशा क्या होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा या एचपी पे होगा। उसी तरह से वीपी पे बात करेंगे, या तो इन फ्रंट होगा या
बैक होगा या वीपी पे होगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो इस पे कहीं रखा होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या सेकेंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है देखने के लिए। आप ध्यान दें, कभी भी इस रेफरेंस प्लेन का और ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, हमेशा ऑब्जर्वर चेंज होता है। ठीक उसी तरह से जैसे घर में आप मिरर देखते हैं, आपके ड्राइंग हॉल में मिरर है, या किसी आप सैलून में जाते हैं तो वहां पे आप मिरर चेंज नहीं करते हैं। मिरर दैट मीन्स प्लेन, यू कैन नॉट चेंज द मिरर, यू चेंज योर सेल्फ, दैट मीन्स दिस ऑब्जर्वर विल बी गेट चेंज। जो ऑब्जर्वर है वह अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, लेकिन प्लेन का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है। हमेशा ध्यान दें कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा और टॉप व्यू इन फ्रंट ऑफ द वीपी बनेगा, और यही एचपी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ये एचपी जो आप टॉप व्यू देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स वाई लाइन के। तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि एचपी पे हमेशा टॉप व्यू बनेगा, चाहे इधर बने या इधर बने, और वीपी पे हमेशा फ्रंट व्यू बनेगा, चाहे ऊपर बने या नीचे बने। जस्ट सी हियर, ये आपका रेफरेंस लाइन हो गया एक्स वाई, जस्ट इसको हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। ये आपका टोटल वीपी था, वर्टिकल प्लेन का लाइन था, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का लाइन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब ऑब्जर्वर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसी तरह से दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अभी देखेंगे आप एक एक पॉइंट कि जब एचपी में और भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो अब इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, दैट विल बी फ्रंट व्यू ए डैश। उसी तरह से टॉप व्यू आप देखेंगे ऊपर से, कहाँ बनेगा, एचपी पे ए। अब इसको हम क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, इस एचपी प्लेन को रोटेट कर देंगे, तो ये ए कहाँ बन जाएगा, नीचे में। ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पेपर पे, पेपर इज 2D बेसिकली, टू डायमेंशनल, तो ये क्या है, हमें रोटेट करना पड़ेगा। और ये जब रोटेट करेंगे तो हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो इधर का जो एचपी है ये ऊपर जा चुका होगा, और इससे चूंकि हमें मतलब भी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ इस वीपी प्लेन से और इस एचपी प्लेन से हमें मतलब है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में जब ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं तो ऑब्जर्वर तो अपने जगह पे है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। और इसको हम बता चुके हैं कि ये एचपी प्लेन क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ये वाला जो फ्रंट वाला है ये तो नीचे आ जाएगा, लेकिन जो बैक वाला है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले गया, ये देखिए यहाँ पे। दैट मीन्स कि सेकेंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही एक्स वाई लाइन के, ये जो स्टैंडर्ड एक्स वाई लाइन था, इसके ऊपर बन रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ऊपर और दूसरा नीचे, थर्ड क्वाड्रेंट में देखें आप, जो आपका वर्टिकल प्लेन था नीचे, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन पे हम सीधे डायरेक्ट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू ए डैश, और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, एचपी पे। हमेशा ये प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो ये ए हो गया। और आपको मालूम है कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इसको जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये पीछे वाला जो एचपी है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर में ए। कम टू दी फोर्थ क्वाड्रेंट हियर, दिस इज दी फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑब्जर्वर इज एज इट इज। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिए क्या हो गया, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब आपको मालूम है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इसको हमने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो ये ए हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट लिटिल बिट सिमिलर, कि यहाँ फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे। ठीक इसके उल्टा थर्ड क्वाड्रेंट है कि आपका फ्रंट व्यू नीचे बन रहा है और टॉप व्यू ऊपर बन रहा है। इन केस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट,
टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बोथ जो है इज अबव द एक्स वाई लाइन एंड इन केस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट ए और ए डैश दोनों आपका कहाँ है नीचे है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ पॉइंट ऑलवेज लाई इन द सेम वर्टिकल लाइन। फ्रंट व्यू ऑफ पॉइंट पी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई पी डैश इट शोज द पोजिशन ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एच पी ओनली। जब फ्रंट व्यू की बात करेंगे तो उसका रेस्पेक्टिव पोजिशन क्या होगा हमारा एच पी के साथ। इन केस ऑफ फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन रिप्रेजेंट्स द एच पी एंड द प्लेन पेपर रिप्रेजेंट्स द बी पी। इफ द पॉइंट पी लाइज एबव एच पी पी डैश लाइज एबव एक्स वाई लाइन। हमेशा ध्यान रखें कि जितना एबव एच पी होगा उतना ही एबव पी डैश होगा। पॉइंट पी लाइज इन द एच पी पी विल बी ऑन द पी डैश विल बी ऑन द एक्स वाई लाइन। यदि एच पी पे है तो एक्स वाई लाइन पे है, यदि एच पी से ऊपर है तो कितना ऊपर है उतना ही ऊपर फ्रंट व्यू बन जाएगा। एच पी से नीचे है तो कितना नीचे है उतना ही नीचे आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा एच पी के कॉन्सेप्ट में। ठीक उसी तरह से वी पी के कॉन्सेप्ट में होता है। वी पी में हमेशा वी पी से जो रेफरेंस दिया रहेगा वह एच पी पे बनेगा और टॉप भी बनेगा। और टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा जितना इन फ्रंट होगा वीपी के जितना आगे होगा उतना ही एक्स वाई लाइन के नीचे टॉप व्यू बनेगा, जितना पीछे होगा उतना ही एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। और यदि एच पी पे ही है सॉरी वीपी पे ही है तो आपको एक्स वाई लाइन पे बनेगा। ये छह कॉन्सेप्ट आप यदि याद रख लेते हैं तो पूरा ड्राइंग आपके लिए इजी हो गया। इसीलिए इसका नाम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दैट मीन्स ईजी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए एक बार फिर से बोल देते हैं कि यदि एच पी के ऊपर होगा, यदि आपका यहाँ पे एच पी के ऊपर है ये आपका एक्स वाई लाइन है, दिस इज एक्स वाई लाइन। अब एच पी से जितना ऊपर होगा उतना ही पे आपका फ्रंट व्यू बनेगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एच पी से 10 mm एबव तो उतना ही एबव आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा, और जितना नीचे दिया रहेगा एच पी से उतना ही नीचे फ्रंट व्यू बन जाएगा, और यदि एच पी पे दिया है तो आपका एक्स वाई लाइन पे ही फ्रंट व्यू बन जाएगा। ध्यान रखिए। ठीक अब आइए कहाँ पे इसके आपके टॉप व्यू के कॉन्सेप्ट में। तो टॉप व्यू का कॉन्सेप्ट हमेशा वीपी से दिया हुआ रहेगा और जितना वीपी के आगे रहेगा उतना नीचे बन जाएगा, मतलब इन फ्रंट है जितना इन फ्रंट है उतना नीचे बनेगा एक्स वाई लाइन से, और जितना पीछे है उतना ही एक्स वाई लाइन से ऊपर बनेगा टॉप व्यू। हमेशा ध्यान रखिए। और यदि एच पी पे ही दिया है तो एक्स वाई लाइन पे आपका टॉप व्यू बन जाएगा। नाउ यहाँ पे एक एक प्लेन देखिए कैसे हम बना रहे हैं। यहाँ पे आपका वर्टिकल प्लेन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं एक्चुअली पॉइंट है, तो कोई पॉइंट ए है तो यहाँ पे आपका टॉप व्यू बनेगा और फ्रंट व्यू बनेगा। तो फ्रंट व्यू हो गया आपका, बता चुके हैं जितना एबव द एच पी दिया रहेगा उतना ही एबव द एक्स वाई लाइन फ्रंट व्यू बन जाएगा, अभी हम लोग देखेंगे। और ये आपका टॉप व्यू बन गया, दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन द सिमिलर वे। यहां ध्यान दीजिए ये क्या हो गया आपका फ्रंट व्यू, दैट मीन्स पॉइंट ए इज अबव द एच पी एंड इन द वी पी। तो क्या हो जाएगा अबव द जितना अबव द दिया है, ठीक है ना, तो एच पी के अबव तो है, ठीक ना, तो कहां बनेगा अबव द एच पी फ्रंट व्यू बन गया, और टॉप व्यू कहां बन जाएगा एक्स वाई लाइन पे क्योंकि इन द वी पी है। इन द सिमिलर वे पॉइंट ए इन द एच पी इन फ्रंट ऑफ वी पी, इन द एच पी है तो फ्रंट व्यू कहां बनेगा एक्स वाई लाइन पे, एंड टॉप व्यू कहां बनेगा इन फ्रंट ऑफ वी पी, जितना इन फ्रंट है उतना है इन फ्रंट आपका टॉप व्यू बन जाएगा। दिस इज दी ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसी को हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, हमेशा बता चुके हैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज
रोटेट कर देंगे, तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अबव एक्स वाई लाइन ए डैश बन गया और उतना ही नीचे आपका ए बन गया, इसको जस्ट हम रोटेट कर दिए हैं। उसी तरह से यहाँ भी रोटेट करेंगे लेकिन ए तो एक्स वाई लाइन पे ही रह जाएगा, ए डैश अपने पोजिशन पे है। इन दिस सिमिलर वे सी हियर ए डैश अपने जगह पे है और ए उतना ही नीचे आ जाएगा एक्स वाई लाइन के, ये जितना आगे है उतना नीचे आ जाएगा, ये वही पे है और ये जितना इन फ्रंट है उतना ही नीचे आ जाएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, पॉइंट ए अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट देखा, मैं आशा करता हूँ आप प्रोजेक्शन पॉइंट को अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा स्ट्रेट लाइन का है, जहाँ पे एक बार फिर से इस प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लेट डू फ्यू प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक स्ट्रेट लाइन में, मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दूंगा, हर एक क्वेश्चन लगभग आपको मोर देन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन का वीडियो देखिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका स्ट्रेट लाइन लिटिल बिट टफ टॉपिक है, तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आप एक बार दो बार इस वीडियो को और देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल, इफ नॉट येट मस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर क्लासमेट। थैंक यू वेरी मच।